आज के सत्र का विषय है द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रल योगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, विशेषकर क्योंकि माताजी श्री अरविंद का जो लिटरेचर है वो बहुत अथाह है और व्यक्ति ढूंढता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, या इतना अधिक होता है मटेरियल कि उसको ये नहीं समझ आता कि ये करें या वो करें। अलग अलग चीज़ें अलग जगह लिखी हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी भी लंबी यात्रा पर निकलने के पहले एक प्रिपरेशन जरूरी होता है, और प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उस जगह के बारे में जानना। आप ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ स्वेटर की ज़रूरत है नहीं है, किस तरह का भोजन होगा, किस तरह के लोग होंगे। तो योग में प्रवेश करने के पहले एक प्रोसेस है जिसको माता जी कहती हैं सेल्फ प्रिपरेशन, एक प्रकार की तैयारी। तो उस तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है माताजी श्री अरविंद की वाणी पढ़ना। इससे हमको योग की एक रूपरेखा पता चलती है और श्री अरविंद ने क्या कहा है, ये योग क्यों है, किस लिए है, ये सब कुछ हमको पता चलता है। श्री अरविंद अपने जब योग के लिए चार सहायक तत्व बताते हैं तो उसमें शास्त्र को बहुत महत्व देते हैं। ये नहीं कि शास्त्र पढ़ने से योग हो जाता है, लेकिन वो एक बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह ले करता है, फाउंडेशन बनाता है। तो श्री अरविंद की पुस्तकों को अगर हम देखें तो उसमें तीन या चार प्रकार के मुख्य शास्त्र हैं। एक जो पास्ट से जुड़े हुए हैं, पास्ट यानी ये नहीं कि वो पास्ट हो गया, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन कई लोग हैं उनका एक बैकग्राउंड होता है, वो ट्रेडिशन से आते हैं, तो वो वेद उपनिषद गीता इनसे संबंधित बातों को समझना चाहते हैं। तो श्री अरविंद की पुस्तकें हैं सीक्रेट ऑफ द वेदास, उपनिषद के अब दो वॉल्यूम हैं ईश उपनिषद और केन एंड अदर उपनिषद, एसेज ऑन द गीता। तो इससे हम कनेक्ट होते हैं उस ट्रेडिशन से जिससे हम आ रहे हैं, और उससे एक प्रवेश द्वार खुलता है इस योग में प्रवेश करने का या समझने का। फिर कुछ लोग हैं जो श्री अरविंद की मेटाफिजिक्स उन्हीं की भाषा में समझना चाहते हैं, जिनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है और वो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है और अब वो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, कौन सी नई बात कह रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो उनके लिए लाइफ डिवाइन है, दी लाइफ डिवाइन श्री अरविंद ने विशेषकर उस तरह के लोगों के लिए लिखी थी जो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, जैसे बर्ट्रेंड रसल, वो स्वयं कहते हैं, कहने का अर्थ ये नहीं कि ये आवश्यक है कि हम सारी पुस्तकें पढ़ें, पर हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी पुस्तक किस लिए है। फिर अगर हम लोग भविष्य के बारे में, मनुष्य का भविष्य क्या है, मानवता का इतिहास क्या है और किस दिशा में जा रही है, कई लोग इस बात से भी चिंतित होते हैं, ये उनके मंथन का मूल विषय होता है। तो उनके लिए ह्यूमन साइकिल है, सेल्फ डिटर्मिनिज्म, वार, ह्यूमन यूनिटी, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये सब कुछ है। और कुछ लोग हैं जो सीधा योग के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी मंशा है कि हम ये योग करें, लेकिन ये योग की भूमिका क्या है, प्रोसेस के पहले हमको उसकी भूमिका मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए जो सर्वोत्तम पुस्तक है वो है दी सिंथेसिस ऑफ योग। सिंथेसिस ऑफ योग में हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है योग के बारे में, वो फिलॉसफी नहीं है, लेकिन श्री अरविंद प्रैक्टिस का एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। जैसे मेडिटेशन हम बाकी योग में भी करते हैं, तो इस योग में किस प्रकार का होता है एक बैकग्राउंड दिया गया है। भक्ति, भक्ति से हम सब परिचित हैं, लेकिन इंटीग्रल योग की भक्ति किस प्रकार की होती है, किस ग्राउंड पे होती है, उसका प्रयोजन क्या होता है, ये है। उसमें प्रोसेसेस से अधिक, प्रोसेसेस भी हैं लेकिन उससे अधिक उसमें एक बैकग्राउंड दिया गया है। कर्म योग में भी होता है, लेकिन इस योग में जब हम कर्म करते हैं तो उसका क्या प्रयोजन है। जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूँ, कई बार लोग गीता ट्रिपल पाथ, श्री अरविंद के योग में एंट्री के लिए गीता और वेदांत, ये बहुत सुंदर पथ हैं, मार्ग हैं जिस पे चल के आदमी एंट्री ले सकता है। तो कई बार ये होता है कि गीता का योग भी, उसमें भी यही बात लिखी है। तो अब श्री अरविंद जब योगा और डिवाइन वर्क्स बताएंगे तो हमें ये बताएंगे कि गीता का मुख्य उद्देश्य है कर्म करते हुए अंदर मुक्त होना, इनर बीइंग मुक्त हो जाएगा, लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट वही रहेंगे, इम्परफेक्ट, और हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के थ्रू कार्य करेंगे, हालांकि हमारा इनर बीइंग त्रिगुणातीत अवस्था में पहुँच जाएगा। तो श्री अरविंद कहते हैं ये अपूर्णता है, इसका अर्थ ये होगा कि हम अंदर में लिबरेट हो गए लेकिन हमारा वी आर स्टिल डूइंग द वर्क्स ऑफ ए ट्वाइलाइट कॉन्शियसनेस। एक उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर है वो कार्य कर रहा है, तो
तो अंदर में वो फ्री रहेगा, लिबरेटेड रहेगा, उसको कोई आकांक्षा नहीं है किसी, उसके अंदर करुणा है, ये सारे देवी गुण हैं। लेकिन जब वो ट्रीट करेगा तो एलोपैथी की जो उसने स्टैंडर्ड मेडिसिन पढ़ी है उसी से ट्रीट करेगा। उसके अंदर कोई चिकित्सा की नई विधा या भगवान की शक्ति का कार्य, वो एक लिमिटेशन में होगा, क्योंकि उसके त्रिगुणात्मक प्रकृति के घेरे में बंधा है। तो इस प्रकार से सारा इंटीग्रल भक्ति कैसी होती है, तो आमतौर पर हम भक्ति करते हैं, किसी एक डेटी को चुन लेते हैं और उसके द्वार से हम जाते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि इन द इंटीग्रल भक्ति वी हैव टू यूनिवर्सलाइज द कंसेप्शन ऑफ द डेटी। तो जो हम साधन चुनते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनको हमको सब में देखना है। ये नहीं कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, पर उनको जैसे माँ है, इस योग में हम लोग उस पर आएंगे कुछ देर में, तो मदर इज़ एवरीवेयर इन एवरीथिंग, सो वी हैव टू यूनिवर्सलाइज। फिर भगवान से सब प्रकार के संबंध जोड़ने हैं, जो हम जीवन में भिन्न भिन्न संबंध जोड़ते हैं। उसी प्रकार से नॉलेज, ट्रेडिशनल ज्ञान योग में हम लोग ये नहीं वो नहीं, जो अंत में जो सेल्फ है, जो मूल तत्व है, उस पर फोकस करते हैं। लेकिन शेरविंद इसको कहते हैं योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, तो उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति सारे संसार में गतिशील है, सक्रिय है, तो वो कैसे कार्य करती है, वो क्या कार्य कर रही है, और प्रत्येक वस्तु का, छोटी से छोटी चीज़ का, उसके पीछे जो एक दिव्यता खड़ी हुई है और एक ज्ञान छिपा हुआ है एसेंस में, उसमें भी हमको प्रवेश करना है। तो इस प्रकार से वो पूरे डिटेल में, विस्तार में हमें एक बैकग्राउंड खड़ा करते हैं सिंथेसिस योग ऑफ योग में। बहुत सुंदर पुस्तक है। कुछ लोग केवल भारतीय परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं, तो एक पुस्तक है रिनाइसाइन इंडिया, सो पहले इसका नाम था फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये सारी पुस्तकें अलग अलग ढंग से तैयार करती हैं हमें और प्रवेश द्वार खोलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये पुस्तकों के रूप में नहीं लिखी गई थी, ये सीरियलाइज हुई थी आर्य में, तो बाद में ये पुस्तकें बनी। तो इसलिए माता जी एक बात और सचेत करती हैं, और वो ये कहती हैं कि श्री अरविंद को सब्जेक्ट्स के द्वारा पढ़ना चाहिए, ना कि पुस्तकों के द्वारा, क्योंकि एक ही चीज़ इंडिया के बारे में सब कुछ उन्होंने रेनाइसा ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है, उनके पत्रों में भी है, कहीं आपको ह्यूमन साइकिल में भी मिलेगा। तो अब ये बहुत विशाल है, इसको इसमें कवर करना, केवल श्री अरविंद के वर्क्स को पढ़ना एक जीवन भर का की साधना हो सकती है, और इसी कारण कुछ एक कंपाइलेशंस निकलते हैं इन पर। लेकिन उनकी समस्या ये होती है, कई कंपाइलेशंस वन साइडेड होते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है श्री अरविंद की पुस्तकों को पढ़ने का। कई लोगों को श्री अरविंद की पुस्तकें कठिन लगती हैं, नेचुरली कैम्ब्रिज की इंग्लिश है और वो कठिन है इंटेलेक्चुअली, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी का अंदर से कुछ खुल जाए तो बात अलग है। तो वो कहते हैं हम क्या करें, तो उससे कहीं सरल और वही सत्य माता जी की वाणी में है, तो मातृवाणी पढ़ें। मातृवाणी के 17 वॉल्यूम हैं, और उनको जो भी इस, और रियली जो योग पे चलना चाहता है, केवल ये नहीं कि बैकग्राउंड समझना चाहता है पर चलना चाहता है, तो मातृवाणी में कहीं अधिक और कहीं विस्तार से और बहुत डिटेल में एक एक चीज़ों को सूक्ष्मता से समझाया गया है। तो जो वास्तव में योग करना चाहते हैं, ना केवल उसका बैकग्राउंड मेटाफिजिक्स, उनको सीधा मातृवाणी पढ़नी चाहिए। और श्री अरविंद के अगर सारी पुस्तकें देखें, तो उसमें जो सरल पुस्तक है वो है योग पत्रावली, लेटर्स ऑन योगा, तो उसको भी बड़े अच्छे क्रमबद्ध रूप से है। कई लोग कहते हैं कि पार्ट्स एंड प्लेन्स क्या हैं, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, सुपर माइंड क्या है, सच्चिदानंद क्या है, जीवात्मा क्या है, साइकिक बीइंग क्या है, ये सारे प्रश्न होते हैं। तो योग पत्रावली का जो खंड एक है, अब वो कलेक्टेड वर्क्स में वो शायद वॉल्यूम 31 होगा मेरे ख्याल से, मे बी आई एम मिस्टेकन इन दैट, तो वो इसी सब विषय पर श्री अरविंद ने कई लोगों को जो पत्र लिखे, किसी ने पूछा चैत्य सत्ता क्या है, फिर किसी अन्य ने भी पूछा चैत्य सत्ता क्या है, किसी ने पूछा चैत्य सत्ता और जीवात्मा में अंतर क्या है, किसी ने कहा आपने सेंट्रल बीइंग वर्ड यूज़ किया है तो वो क्या है, तो सारी शब्दावली आपको इस पहले वॉल्यूम में, जो लेटर्स ऑन योगा के सीक्वेंस हैं, उसमें जो पहला वॉल्यूम है उसमें ये सब मिल जाएगा, और उसमें प्रॉपर इंडेक्स है, एनीबडी कैन सी इट। फिर दूसरे वॉल्यूम से प्रारंभ होता है बेसिक्स, कि योग के कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे समता, शांति, फेथ, श्रद्धा, ये बेसिक्स हैं योग के, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये विस्तार से श्री अरविंद ने एक एक विषय पर, अगेन पत्रों के द्वारा, फेथ के बारे में किसी ने पूछा है तो डाउट के बारे में पूछा है, फेथ कैसा होना चाहिए, क्या ब्लाइंड फेथ हो सकता है, ब्लाइंड फेथ के बारे में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो बहुत विस्तार से।
समता का अभ्यास हम कैसे करें, मैं विचलित हो जाता हूँ, मैं इरिटेटेड हो जाता हूँ, मेरे अंदर क्रोध आता है, मैं क्या करूँ, तो ये सारी चीज़ें मानवीय संबंध के बारे में उसमें बहुत डिटेल में है। अगर कोई इस रास्ते में जाना चाहता है तो शेयरविंद ने सब कुछ लिख दिया है। माताजी शेयरविंद की वाणी को अगर हम देखें, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके लिए हमको किसी और से पूछना पड़े या कहीं और ढूंढने की जरूरत पड़े, और ऐसे विस्तार में जो कहीं नहीं प्राप्त होता है। और मैं ये चीज़ काफ़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी योग संबंधी पुस्तकें पढ़ी हैं, प्राय सभी पढ़ी हैं जो भारत की परंपरा में हैं और वेस्टर्न उसमें हैं, उसमें तो योग नहीं फिलॉसफी है अधिक। सो वो सब कुछ उन्होंने विस्तार में, हठ योग में भी शेयरविंद बताते हैं आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं और इस योग में इसकी क्या भूमिका है और नहीं है, ये सारी चीज़ें शेयरविंद ने विस्तार से बताई हैं। फिर कुछ पत्र हैं जो इस योग के कोर से संबंध रखते हैं और मैं समझता हूँ कि वो बड़े आवश्यक हैं। वो है माता के ऊपर श्री माँ कौन है और श्री माँ से हमारा संबंध कैसा हो, श्री माँ के लिए हम कार्य कैसे करें, बहुत विस्तार में कई डिसाइपल्स के साथ उनका पत्राचार है। और फिर कुछ लोग रूपांतरण के विषय में जानना चाहते हैं, रूपांतरण की डीपर स्टेजेस, हायर स्टेजेस, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे मन के अंदर रूपांतरण हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि मेरे हृदय के अंदर रूपांतरण हो रहा है, मेरे प्राण के अंदर रूपांतरण हो रहा है, शरीर के अंदर रूपांतरण हो रहा है, उसमें क्या क्या होता है, ये भी एक अलग योग पत्रावली है। इसके अलावा और भी अधिक उनके पत्र हैं जो योग संबंधी अनुभवों के ऊपर है। मैंने ये प्रकाश देखा, इसका क्या अर्थ है, मैंने स्वप्न में इसका दर्शन किया, इसका क्या अर्थ है, मैंने स्वप्न में आपको देखा, इसका क्या अर्थ है। तो हमें ये पढ़ने चाहिए क्योंकि ये एक बैकग्राउंड भी है, हमारे लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है और कन्फ्यूजन का कोई द्वार नहीं खुला छोड़ देता है। सो ये एक, लेकिन ये सब एक प्रिपरेशन है योग के लिए, दैट इज वॉट वी मस्ट अंडरस्टैंड। हो सकता है कि कोई पुस्तक पढ़ता पढ़ता योग में प्रवेश कर जाए, फिर भी उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल पुस्तक पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं योग कर रहा हूँ, ये नहीं, ये किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने पुस्तकें पढ़ी, उस पर किताबें भी लिखी, लेकिन उसने योग में प्रवेश ना किया हो। तो योग का प्रवेश द्वार कब खुलता है, जब व्यक्ति के अंदर कॉल आती है। शेयर विद वर्ड यूज़ करते हैं कॉल, क्योंकि ये भी लोग पूछते हैं कि अच्छा हम ये योग करना चाहते हैं तो कौन है जो हमें इनिशिएट करेगा, क्योंकि कई योगों में एक शब्द होता है इनिशिएशन, दीक्षा, कि अब आप इस योग पे चल सकते हैं। तो श्री अरविंद के योग में आज ही नहीं, प्रारंभ से जब माताजी श्री अरविंद फिजिकल बॉडी में थे तब भी दीक्षा का कोई ना समारोह होता था ना कोई इस प्रकार की चीज़ थी दीक्षा। तो श्री अरविंद से जब लोग पूछते थे कि फिर हम कैसे, हमें पता चले कि हम इस योग में हैं, तो श्री अरविंद कहते थे कॉल फॉर द योगा। क्या तुम्हारे अंदर इस योग के लिए कॉल है, तो किसी ने कहा कि कॉल क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा, तो श्री अरविंद कहते हैं यू विल फील इट। मूल रूप से अगर देखा जाए तो हमें, हमारे अंदर ये भाव जागृत होता है कि यही करने योग्य है, हमें इसी पथ पर चलना चाहिए, यही हमारा मार्ग है, ये कन्फ्यूजन बेसिकली क्लियर हो जाता है। और अगर उसको हमें इंटेलेक्चुअली सोचना है कि ये कॉल है कि नहीं है, तो उसका बड़ा सुंदर उत्तर माताजी देती हैं, उनके वॉल्यूम 3 है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर, उनसे पहला ही प्रश्न किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई दीवी अगर एक किताब पढ़नी हो कि इस योग के बारे में जानना है, प्रोसेस प्रैक्टिस के बारे में, तो इट इज़ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 3, सिर्फ एक पुस्तक। और मैं टोटल श्री अरविंद माताजी के लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, केवल एक पुस्तक अगर पढ़नी हो तो उसमें माने बाय एंड लार्ज शी हैज़ कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द योगा। उसकी उत्पत्ति भी ऐसी ही थी, क्योंकि 1926 में जब माताजी को श्री अरविंद ने पूरे डिसाइपल्स का कार्यभार सौंपा, तो ये पुस्तक 1929 कुछ डिसाइपल्स के साथ माताजी जाती थी कहीं पर और वो लोग बैठ करके उनसे प्रश्न करते थे और माँ उनके उत्तर देती थी। इसके बाद माने 51 तक कोई और ओपन कन्वर्सेशंस नहीं हुए, पत्राचार हुआ है। सो ये पुस्तक बहुत विशेष महत्व रखती है इस योग में, और हर व्यक्ति जो प्रैक्टिस करना चाहता है उसको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। उसमें पहला ही प्रश्न है कि योग क्या है और योग क्यों है, तो वहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं कि माताजी बताती हैं कि ये पहला प्रश्न तुमको पूछना चाहिए कि हम योग क्यों करना चाह रहे हैं। जब किसी ने प्रश्न किया व्हाट इज़ दिस योगा मेंट फॉर, तो वो बताती हैं कि पहला प्रश्न तो तुमको ये करना है कि ये योग तुम क्यों करना चाहते हो।
तो क्या तुम किसी पावर के लिए ये योग करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू डू इट फॉर एम्बिशन कि मैं योगी बनना चाहता हूँ, मैं गुरु बनना चाहता हूँ, मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, नेम और फेम होगा, मैं सुपरमेंटल बीइंग बनना चाहता हूँ, सुपरमैन बनना चाहता हूँ? तो माता जी बताती हैं ये सब ईगो के खेल हैं, ये केवल तुम अपने को एग्रेंडाइज कर रहे हो, योग नहीं कर रहे हो। तो योग, ये योग हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, नो, दैट इज नॉट ए कॉज कंडीशन फॉर योगा। योग केवल भगवान के लिए किया जाता है, और केवल भगवान के लिए किया जाता है। वो स्पष्ट करती हैं, यदि तुम अपने आप को भगवान को भगवान के लिए अपने आप को भगवान को प्रस्तुत करना चाहते हो, तब तुम इस योग के लिए तैयार हो। तो अगर हम इस चीज़ को इंटेलेक्चुअली समझना चाहें तो हम अपने अंदर देख सकते हैं कि हम ये इस दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं, ये पथ हमें क्यों चाहिए। फिर इसके बाद एक और चीज़ माता जी इससे जुड़ी हुई कहती हैं, जैसे हमको योग के मोटिव के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में सचेत होना चाहिए। माता जी से नेक्स्ट प्रश्न किसी ने किया कि हम क्या करें जिससे इस योग के लिए तैयार हों, माँ कहती हैं बी कॉन्शियस। बी कॉन्शियस का मतलब है हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कुछ भी, उसके पीछे हमारा हेतु क्या है। अब आम तौर पे अगर हम अपने अंदर कितने सारे काम करते हैं उनके पीछे देखें तो बहुत ज़्यादा हेतु होता है समाज, सोसाइटी, सोशल, लोग क्या कहेंगे, लोगों का। सोशल कॉन्शियसनेस में यदि हम हैं, माता जी स्पष्ट करती हैं इसको, वी आर नॉट येट रेडी फॉर योगा। क्योंकि योग में तो अब देखिए अर्जुन का तो पहला चीज एक झटके में यही टूटता है। द गीता ऑफ योगा स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि इफ यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ समाज एंड फैमिली एंड ऑल दिस, यू आर नॉट रेडी फॉर योगा। क्योंकि बाद में इसमें बहुत त्याग की जरूरत पड़ती है आंतरिक, और हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। शेरविंद किसी से नहीं छिपाते हैं कि योग एक कठिन रास्ता है, इवन ऑर्डनरी योग एक कठिन रास्ता है, चाहे हम उसको कितना भी ओवर सिंप्लीफाई करें, लेकिन मार्ग तो मार्ग है। तो पहली चीज़ ये है कॉल फॉर द योगा, कॉल है तब आगे बढ़ें, नहीं तो हम पढ़ें, हमारी तैयारी होगी। ना भी तैयारी अगर हो तो जीवन के लिए माता जी, शेरविंद ने बहुत कुछ लिखा है जो बहुत अद्भुत है। शिक्षा के फील्ड में कोई अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है, आर्ट के बारे में लिखा है, रिलीजन क्या है हम समझना चाहते हैं तो उसके बारे में माता जी ने लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। फिर एक कॉल आती है, और कॉल कैसे आएगी उसका भी शेरविंद बताते हैं कि अगर कॉल नहीं है योग के लिए, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं चलना चाहिए पर अंदर से आ नहीं रहा है पूरा, तो कहते हैं कि तुम इसी तैयारी का हिस्सा होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जो इस मार्ग पे चल रहा है, तो वो अग्नि अपने आप लग जाती है। कई बार पुस्तकों को पढ़ना, श्री अरविंद आश्रम जाना, मैं समझता हूँ कि इस योग में एक बार कम से कम श्री अरविंद आश्रम जाना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग, ये मेरा अपना, और क्योंकि वो एक डायरेक्ट अग्नि लगती है। और श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं कि जो बाहर मेरे डिसाइपल्स हैं, इट इज़ हेल्पफुल, मैनी ऑफ देम कम वंस और ट्वाइस ए ईयर टू रिचार्ज देम सेल्स। एक बार आप गए, आपका एक टच मिला और इनिशिएशन हो गया, लेकिन ये जाना ताकि आप फिर से अपनी बैटरी को कनेक्ट कर सकें ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप क्या करते हैं, तो फिर वो कनेक्ट करने के लिए ये इस योग का हिस्सा है। श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी जाना कोई पिलग्रिमेज नहीं है कि हमने अपना नाम तीर्थ यात्रा कर ली और हमारा, इट इज़ पार्ट ऑफ द योगा, क्योंकि वहाँ हमारा एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। और अगर यदि हम सीरियस हैं इसके लिए तो हमको समय निकाल करके जाना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है कि हमारी सिंसेरिटी कैसी है। फिर ये हो गया कॉल, और कॉल अगर आ जाए तो फिर दूसरा जो बिंदु है इस योग का वो है ग्रेस। अब यहाँ जो केंद्रीय चीज़ है इस योग में, जिसके बिना ये योग असंभव है, लगभग असंभव नहीं बिल्कुल असंभव है, वो है डिवाइन मदर्स ग्रेस। ये शेरविंद स्पष्ट करते हैं कि आप इस योग को किताब पढ़ के नहीं कर सकते, किसी मानवीय तपस्या के द्वारा नहीं कर सकते। सो वन हैज़ टू ओपन टू द ग्रेस। यही चीज़ वो माता जो पुस्तक है उसमें जो पहला पत्र है, कॉल एंड द ग्रेस। कॉल आपका पार्ट है और ग्रेस माता जी का पार्ट है। तो एक प्रारंभ में इस कॉल और ग्रेस को हम ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति इस छोर पर खड़ा है, उस छोर पर उसके प्रियतम खड़े हैं। अब वो क्या करता है, वेट करता है, एक दिन छलांग लगाता है, छलांग लगाए कहता है मैं तो मुझे पहुंचना है। प्रारंभ में उसको चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ें घेर लेंगी, उसको पता नहीं है क्या होने वाला है, डूबेगा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे
एक समय आता है जब वो देखता है कि उसको प्रियतम ही सहारा दे रहे हैं. माँ बताती हैं कि इस योग में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देन वी सी इट इज द डिवाइन हु इज सपोर्टिंग अस. लेकिन वो जो जंपिंग का क्षण होता है वो हमारा अपना होता है. भगवान खड़े होते हैं लेकिन वो दिखाएंगे नहीं अपने आप को. वो निर्णय व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है और जब वो जंप करके आगे बढ़ता है तो उस धीरे धीरे मार्ग खुलता जाता है. सो एवरीथिंग इज बिटवीन कॉल एंड द ग्रेस. तो उस ग्रेस के लिए हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें. भगवान की ग्रेस तो सबके साथ है तो इसमें स्पेशल चीज क्या है इस योग में. तो वहां पर श्री अरविंद बताते हैं अपने पत्र में कि हमारे अंदर कंडीशन ऑफ फॉर ग्रेस होनी चाहिए. भगवान की एक यूनिवर्सल ग्रेस तो सबके साथ है लेकिन योग संबंधी जो ग्रेस होती है वो बड़ी स्पेशल होती है क्योंकि योग में कठिनाइयां स्पेशल है. ऐसी चीजें आती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते. ऐसी शक्तियां आती हैं विरोध करने के लिए जिसका हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है. तो एक स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल ग्रेस चलती है और इसलिए शेरविंद बताते हैं टू वॉक थ्रू लाइफ आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर पेरिल एंड डिजास्टर ओनली टू थिंग्स आर नीडेड टू दैट गो ऑलवेज टूगेदर ऑन वन साइड द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर एंड ऑन योर साइड एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ सिंसेरिटी एंड सरेंडर. माँ यहां तक कहती है अगर सिंसेरिटी नहीं है या बढ़ाना नहीं चाहते हो. पहले तो एक सेंट्रल सिंसेरिटी होती है कि भाई हम सच में ये योग के लिए माता जी के लिए करना चाहते हैं ना कि कोई व्यक्तिगत एम्बिशन निर्वाण या गिफ्ट पाने के लिए. पहला तो ये सेंट्रल सिंसेरिटी है. फिर इस सिंसेरिटी को हमको बढ़ाते जाना है. माँ कहती है यदि तुम प्रस्तुत नहीं हो तैयार नहीं हो सिंसेरिटी को बढ़ाने के लिए तो इसको टच मत करो. पहले गुरु हैं जो बार बार कहते हैं डोंट टेक अप डोंट टच इट. क्यों? क्योंकि ये अग्नि है जो तुम्हें भस्म करेगी. फिर तुम रोओगे कि हमारे ईगो के सपोर्ट चले जा रहे हैं. फिर तुम कहोगे कंप्लेन करोगे. तो डोंट टच इट. भी एक समय आएगा जब तुम तैयार होगे कि हम ठीक है अब स्वाहा होने के लिए तैयार हैं सिंसेरिटी बढ़ाने के लिए तैयार हैं एक एक कदम पे क्योंकि ये लास्ट तक चलता जाता है सिंसेरिटी का खेल. और उसके पहले वो कहती हैं फेथ जो बहुत आवश्यक है. बिना फेथ के हम अगला कदम नहीं ले सकते जीवन में. माँ कहती है कि मेंटल व्यक्ति का वो हाल होता है जैसे कोई चौराहे पे खड़ा हो उसको समझ नहीं आ रहा है मैं इधर मुड़ो या उधर जाऊँ या इधर पीछे मुड़ो या इस तरफ दाहिने जाऊँ. तो ये हेजिटेशन में जो रहता है वो योग नहीं कर सकता. गीता भी ये कहती योगा इज नॉट डन बाई हेजिटेटिंग माइंड टेक ए लीप. और ये लीप हमेशा लीप ऑफ फेथ होती है. और तीसरा एस्पेक्ट है सरेंडर. सरेंडर का अर्थ है कि अभी हम एक सीमित अपने बारे में संसार के बारे में जानते हैं उसको माताजी का स्मरण करना और ऑफर करते जाना फिर धीरे धीरे हमारी चेतना का विस्तार होगा और जो कुछ भी उस विस्तृत चेतना में आता है उसको भी माताजी का नाम लेकर ऑफर करते जाना. अब कुछ लोग ऑफरिंग के लिए बैठ करके एक प्रार्थना के रूप में करते हैं कुछ एक डायरी में लिख करके करते हैं. ये व्यक्तिगत चीज़ है. वन कैन डू इट इन मेनी वेज पर रिमेंबर एंड ऑफर इस योग का एक मूल मंत्र है जो हमको पकड़कर लास्ट टाइम तक चलना चाहिए. जैसी भी परिस्थितियां हैं जो कुछ घटित हो रहा है अंदर घटित हो रहा है बाहर घटित हो रहा है माता जी को स्मरण करके हमको उनको ये चीज़ देते रहना चाहिए कि हे माँ ये तुम्हारा है तुम लो. साथ में एक अभिप्सा जोड़ देनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है इस सबसे आपकी ओर बढ़ने का हमारा मार्ग प्रशस्त हो. मेरे जीवन में मेरे कर्मों में मेरे भावों में मेरे विचारों में सौंदर्य प्रकट हो आपका प्रताप प्रकट हो आपकी शक्ति प्रकट हो. तो इस प्रकार से अभिप्सा के साथ हमको ये ऑफरिंग करनी चाहिए. एफर्ट इसमें क्या हो तो श्री अरविंद कहते हैं कि ट्रिपल लेबर तीन प्रकार के एफर्ट. इनफैक्ट जब आश्रम के बारे में किसी ने पूछा ये आश्रम आपने नाम क्यों चुना कहते हैं फॉर वांट ऑफ बेटर टर्म. तो फिर आश्रम का क्या मतलब कहते हैं श्रम है ये इसलिए आश्रम है. तो कई लोगों को ये लगता है कि अब हम रिटायर होके आश्रम में चले जाएं. दिस आश्रम इज नॉट फॉर दैट. यह तो बहुत श्रम करना पड़ता है फिजिकली भी और इनवर्डली भी. फिजिकल से ज़्यादा इनवर्ड. तो श्रम कौन सा है श्री अरविंद कहते हैं ट्रिपल लेबर एंड दैट ट्रिपल लेबर इज ऑफ एस्पिरेशन रिजेक्शन एंड सरेंडर. एस्पिरेशन यानी अभिप्सा. ये अग्नि है जो अंदर में जल रही है जो बाहर हम लोग दिया जलाते हैं. अब ठीक है जब हम बच्चे होते हैं तो दिया जलाना सीखते हैं. जब बड़े होते हैं तो हमको पता होना चाहिए ये तो एक प्रतीकात्मक चीज़ थी
जैसे छोटा बच्चा होता है उसको लेटर्स सिखाते हैं ए बी सी डी, बाद में वो समझता है कि ये लेटर्स जो हैं ये सिंबल हैं और उनसे वो जोड़ करके खेल सकता है, वर्ड्स बनाता है। तो उसी प्रकार से बाहर का दिया, जब हम अपने तंत्रों में भी ये तीन प्रकार की पूजा कही गई, पशुवत और फिर जब मनुष्य के रूप में और देव के रूप में होते हैं हम, तो ये तीन प्रकार की पूजा है। तो बाहर की पूजा अब अंदर की पूजा बने, तो अंदर की अग्नि जली रहे, ये बड़ा एक, जब अग्नि छोटी होती है तो हमें बहुत सचेत रहना पड़ता है, इवन हम किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके साथ कॉन्टैक्ट इस अग्नि को के ऊपर धूल धुआं ये सब डाल देता है। हम पढ़ेंगे कि पुराने समय में रामायण में पढ़ते हैं कि जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं तो ताड़का और ना जाने कौन कौन से खरदूषण ये राक्षस आके अग्नि के ऊपर मांस मदिरा ये सब डालते थे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सांकेतिक कथा है कि जब हम लोग कई चीज़ें जो इस अग्नि के ऊपर यही काम करती हैं, जैसे मदरापान हमारे अंदर की अग्नि को पूरा ढक देता है, डाउट्स धुएं का काम करते हैं। ऐसे लोगों की संगति जिनकी चेतना बहुत क्रूड है, और इसीलिए इस योग में बहुत केयरफुल होना चाहिए किस तरह की कंपनी किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, उठना बैठना है, क्योंकि हम जो सुबह में अभिप्सा कर रहे हैं बड़े सुंदर ढंग से निकले, थोड़ी देर बाद वो सब वो कचरे का ढेर हमारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग खुले हैं उन लोगों के प्रति। सो इट हैज़ टू बी, वन हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस। तो इस एस्पिरेशन को सहेज के रखना होता है। जब ये एस्पिरेशन छोटी सी फ्लेम की जगह एक प्रचंड ज्वाल बन जाती है, तब एक अलग बात है कि जहाँ व्यक्ति जाता है वहाँ आग लगा देता है। बट हमें क्लियर होना चाहिए कि इस एस्पिरेशन को सहेजना है। अगेन रिमेंबर एंड ऑफर एक बड़ा सुंदर तरीका इस एस्पिरेशन को जलाए रखने के लिए, यानी जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके प्रारंभ में माता जी को स्मरण करें और अभिप्सा करें कि ये कार्य सुंदर हो, आपके द्वारा संपन्न हो। जब समाप्त करें तो हम माता जी को ऑफर करें। बीच में जब जब हमको स्मरण आता है तब तब हम हृदय में कंसंट्रेट करके, क्योंकि अभिप्सा का केंद्र यहाँ पर है, अभिप्सा करें। धीरे धीरे ये अभिप्सा केंद्र से निकलकर मन प्राण शरीर हृदय सब में फैल जाती है, और माता जी इसको विस्तार से बताती हैं। शरीर में जब अभिप्सा जाती है तो इसका क्या लक्षण होता है, जब प्राण में ये अभिप्सा जाती है तो इसका क्या लक्षण होता है, मन में जब ये अभिप्सा जाती है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, वो उन्होंने पूरे अपने पत्राचार और कन्वर्सेशंस में बताए हैं। तो ये अभिप्सा को हमको नचर करना, ये वो अग्नि है जो यही तो मूल तत्व है, ये इसमें जितना हम ऑफर करेंगे ये ग्रो करेगी, और इसको हमको सहेज के रखना है, यही हमारी अल्टीमेट अमूल्य निधि है। दूसरी चीज है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब त्याग। अगेन गीता की ही तरह हमें बाहर से कुछ त्याग नहीं करना है, लेकिन अंदर का त्याग थरो होना चाहिए। कई लोग ये सोच के कि श्री अरविंद कहते हैं बाहर से कुछ त्याग नहीं करना है, तो वो जीवन जैसे है वैसे लेके चलते रहते हैं और सोच रहे हैं इस योग में तो त्याग नहीं करना है, लेकिन श्री अरविंद स्पष्ट कहते हैं कि त्याग का अर्थ सेल्फ मॉडिफिकेशन नहीं है, खुद को पीड़ा पहुंचाना, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज ये व्रत करूंगा वो उपवास करूंगा, इसका त्याग से कोई लेना देना नहीं है। और बाय द वे ये वेद उपनिषद गीता में नहीं लिखे हैं, गीता इसके अगेंस्ट लिखती है। गीता इवन गोज ऑन टू से कि किसी प्रकार का एक्सेस इज नॉट गुड। बुद्धदेव भी कहते हैं एक्सेस इज नॉट गुड। ये काफ़ी बाद में कहाँ से जुड़े, शायद दूसरे लोग रोज़ा कर रहे हैं ये देख के हम लोगों ने भी व्रत उपवास शुरू कर दिए, आई डोंट नो कब ये जुड़े हैं, पर ये चीज़ें ना केवल जरूरी नहीं है बल्कि हार्मफुल है, क्योंकि व्रत उपवास से हमारे अंदर एक प्राणिक एक्साइटमेंट होता है जो अच्छा नहीं होता है, ये अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। बैलेंस्ड फूड, और माँ कहती हैं ये कहीं अधिक कठिन है कि हम बैलेंस्ड फूड खाएं नियमित समय पर, देन एक दिन हम फास्टिंग करें। तो ये त्याग का मतलब ये नहीं है कि मैं ये त्याग कर दूंगा, मैं केश त्याग कर दूंगा, मैं थ्रो कर दूंगा पैसे निकाल के इधर उधर, ये नहीं है, मैं आज से एक रंगा कपड़ा पहनूंगा, लेकिन अंदर से जो आसक्ति है चीज़ों के प्रति, आप भोजन खा रहे हैं उसका रस ले रहे हैं, लेकिन अगर आसक्ति है आज तो ये बनना चाहिए, आज आप ये बना दो, आज चलो हम बाजार से ये मिठाई ले आते हैं, ये नहीं कि आपको डिफरेंस नहीं मालूम है, लेकिन और जब खा रहे हो तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप उसके प्रति आसक्त नहीं हो, आपके अंदर ग्रीड नहीं है, तो ये इनर त्याग है। श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं दीज मस्ट बी डिस्कार्डेड थरोली। एक और कहते हैं उसी पैसेज में, द कॉमन आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस इज सेल्फ मॉडिफिकेशन।
बट इन योगा देर इज नो प्लेस फॉर सेल्फ मॉडिफिकेशन. असुर करते हैं, स्वयं को पीड़ा देते हैं, सेल्फ मॉडिफिकेशन नहीं. बट दीज मस्ट बी एक्साइज थरोली, दीज बैंड ऑफ स्पिरिट्स एनिमी हुज नेम आर लस्ट, ग्रीड, फियर, एनवी, जेलसी एंड रात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हमको एक्साइज करना है. तो अब ये हम कैसे एक्साइज करेंगे अगर हम देखेंगे नहीं. खासकर दो चीजों से माँ कहती हैं विशेष रूप से सचेत रहना, वो है काम वासना और दूसरा है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा. ये दो चीजें बड़ी भयानक है. अब इसमें कौन ज्यादा भयानक है, दोनों एक ही लेवल पर है, पर डिफरेंस ये है कि काम वासना के प्रति मनुष्य सचेत हो जाता है, उसको पता है कि ये चीज मैं कर रहा हूं और ये ठीक नहीं है, मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, इट इज नॉट हेल्दी, वो माँ को ऑफर करता है. महत्वाकांक्षा ऐसी चीज है जो छुप करके आती है और वो भगवान के काम में आ सकती है. मैं बहुत बड़ा यंत्र हूँ, इट कैन कम इवन इन थिंग्स लाइक आई एम दी सेक्रेटरी. कल जो बात हो रही थी, मैं बहुत बड़ा स्टेट का कुछ वो हूँ, मैं शेयरविंद सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, मैं शेयरविंद आश्रम का ट्रस्टी हूँ, ऑल दीज कैन कम एज मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मैं बड़ा इंडिस्पेंसिबल हूँ, मैं नहीं अगर जाऊँगा तो काम नहीं होगा, यंत्र हूँ भगवान का, चैनल हूँ, ये सब महत्वाकांक्षा है. ये रूप बदलती हैं और कुछ नहीं करती हैं, और इन सबको हमको एक्साइज करना है, समूल नष्ट करना है. ये इसका अगर ट्रेस भी कहीं दिखाई दे तो हमको उसको निकाल करके जड़ से आग में डाल देना चाहिए. माँ कहती है एम्बिशन इज वेरी डेंजरस इन योगा, डोंट टच योगा इफ यू हैव एम्बिशन, यहां तक क्योंकि वो आवर ऑफ गॉड आएगा और ऐसा व्यक्ति पटका जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ. तो वन हैज टू बी थरोली इन चीजों का एक्साइज करना है. उसी तरह कहती जेलसी, उसके पास ये है, उसको तो इतना बड़ा मान मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं तो इससे ज्यादा योग्य हूं. आप पुराने समय भी देखेंगे जेलसी कैसे विनाश करती थी. पुराणों में कहानियां हैं कि भाई हमें आपने हेड प्रीस्ट क्यों नहीं चुना, अंगिरस ऋषि की कहानी है ऑफ ऑल द पीपल, आपने उसको क्यों हेड प्रीस्ट चुना, हमें क्यों नहीं चुना. दक्ष प्रजापति को अभिमान हो जाता है, तो वो कितना विनाश करती है. दक्ष की कहानी तो हम लोग सब जानते हैं कि ये ईर्ष्या कहाँ हमको ले जा सकती है. सबसे एक माँ कहती है इट इज लाइक ए पॉइजन ऑन द सोल जो करोट कर देता है. और सबसे बड़ी इम्प्योरिटी क्या है, फियर, भय, क्या होगा, अच्छा हम रास्ते पे चल रहे हैं कल क्या होगा, हर चीज में फिजिकल भय, मन में भय, प्राण में भय, कल इसकी बात भी हुई. भय का निदान क्या है, ट्रस्ट, एंटीडोट है. तो राजयोग में एक मेथड होता है जो श्री अरविंद माता जी भी बताते हैं कि यू शुड यूज इट. कोई भी अगर हमारे अंदर कोई अवगुण दुर्गुण या ये चीज़ें जो नेगेटिव हम जिनको कहते हैं, ये हमारे अंदर अगर आती हैं तो इसको हमको इसके ऑपोजिट से रिप्लेस करना है. मान लीजिए हमारे अंदर क्रोध आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक तो है माता जी को ऑफर करेंगे, पर उसकी जगह हम शांति, करुणा, ये चीज़ों को अपने अंदर कल्टीवेट करेंगे. कैसे कल्टीवेट करेंगे, माँ से कहेंगे माँ बहुत क्रोध आता है मेरे अंदर, शांति दे दो. तो ये जो उसका ऑपोजिट है, किसी के प्रति आपको घृणा हो रही है तो आप अपने अंदर घृणा को काट करके माँ से प्रे करेंगे कि मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम दे दो, अंडरस्टैंडिंग दे दो. इस प्रकार से भय हो रहा है तो इसकी जगह फेथ भर दो. एंड रियली इट वर्क्स वंडर्स. प्रारंभ में ये कठिन होता है क्योंकि उसको देखना भी बड़ा कठिन होता है. वो मेरे अंदर, माँ डिस्क्राइब करती हैं कि जैसे आपके अंदर एक काला कीड़ा छिपा हो वैसे. तो फिर कहती हैं जब तुम पिंसर से लेके उसको निकालोगे बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा. ये मेरा शत्रु, इससे मैं ईर्ष्या ना करूँ, घृणा ना करूँ, पर उसको निकालना है और दूर फेंकना है. और माँ कहती हैं फिर आप देखोगे, एक बार आप ये ऑपरेशन करोगे अपने अंदर तो इतने रिसेप्टिव हो जाओगे, खुल जाओगे कि अपने आप अंदर उनकी शांति, उनका प्रेम आएगा. रिजेक्शन में एक और पार्ट है जो हम नहीं जनरली समझते हैं, प्राण का रिजेक्ट के स्तर पे, फिजिकल स्तर पे इनर्शिया. अब छोड़ो, बहुत ठंड लग रही है, कौन जाए भगवान का काम कर रहे हैं. इसीलिए आश्रम में मेडिटेशन से अधिक काम पर जोर दिया गया है, और काम में भी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी. क्यों, जिससे इनर्शिया आपका खत्म होगा, डिसिप्लिन्ड होंगे हम. तो फिजिकल लेवल पे ये बहुत अद्भुत चीज है. एक समय पर अगर कहीं पहुंचना है तो आप देखिए कितना कुछ हमको करना पड़ता है, जो हमें तैयार करता है, ट्रेन करता है हमारी कॉन्शियसनेस को. तो रिजेक्शन फिजिकल और वाइटल, लेकिन मेंटल लेवल पे हम लोग चूंकि मन के साथ आइडेंटिफाइड है, हम ये समझ भी नहीं पाते कि हम
हमें हम अनकॉन्शियसली हमने मन के अंदर पूर्वाग्रह बना के रखे हैं। अब एक पूर्वाग्रह जैसे है कि योगी ऐसा होना चाहिए, और ये 99.9% इंडियंस की मानसिकता में अभी भी है कि कोई गेरुआ वस्त्र में जा रहा है वो बाबा जी हैं, कोई पैंट शर्ट में जा रहा है वो साधारण आदमी है हमारे जैसा, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये मानसिकता में आ गया है कि बाहर से हम जज करते हैं, पूर्वाग्रह हैं। नहीं, शंकराचार्य जी ने ये कहा है, पूर्वाग्रह है, ये संसार माया है, पूर्वाग्रह है। जो एक कुछ जो आइक्नोक्लास्ट होते हैं, या इवन जैसे आप बात कर रहे थे जय कृष्णमूर्ति, इस तरह की जो राइटिंग्स हैं, शेरविन तो इसको बड़े सुंदर ढंग से तोड़ देते हैं। ये हमें बांध देते हैं ये चीज़ें कि हम भगवान को फिर उसी मोल्ड में देखना चाहते हैं, सत्य को उसी सांचे में देखना चाहते हैं, और सत्य फिर हमें कई बार, क्योंकि हमारा सांचा सीमित है, उस सांचे में आता है। लेकिन शेरविंद का योग पूर्ण योग है और इंटीग्रल योग है। तो जो हमारे पुराने पूर्वाग्रह हैं, जो हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारे इवन स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, हमको उनको पीछे रखना होता है। ये भी एक त्याग का हिस्सा है, क्योंकि अब आप नए रास्ते पे चल रहे हैं, नई चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज है सरेंडर। तो सरेंडर इस योग का मूल मंत्र है। प्रारंभ सरेंडर से, माँ आपसे मेरा जीवन तेरा, मूल सरेंडर। योग की यात्रा भी तुम्हारी, अब तुम मुझे ले चलो, जैसे शिष्यस्ते हम साधिमाम, ओके शव यू टेक मी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बीच में अर्जुन ने प्रश्न ही नहीं किया, बहुत कुछ हुआ, प्रश्न किया, सहायता मांगी, फिर से उनकी ओर मुड़े। तो चलते चलते जितनी भी चीज़ें होती जाएंगी, हमको भगवान की ओर उनको समर्पित भाव से जीवन को जीना है। और इस सरेंडर का कोई अंत नहीं है। क्यों कोई अंत नहीं है? ये सरेंडर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि एक एक हार्ट बीट, हृदय की गति, एक एक श्वास, एक एक कोशिका भगवान को सरेंडर हो, मतलब वो ट्विच नहीं करे बिना भगवान की शक्ति के। नाउ दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होगा। लेकिन श्वास और हार्ट बीट तो चलो हम लोग कॉन्शियस हो सकते हैं, लेकिन कोशिकाओं के प्रति तो हम कॉन्शियस भी नहीं है। पर प्रयास ये होना चाहिए प्रारंभ में कि भगवान ये दे, ये आपकी एक एक। इसके लिए कई लोग कई मेथड अपनाते हैं, कुछ लोग इस प्रकार का ध्यान करते हैं, डायनामिक मेडिटेशन माँ कहती हैं, जिसमें वो शरीर के एक एक भाग को ऑफर करते हैं कि माँ ये मस्तक तुम्हारा है, विचार तुम्हारे हैं, ये कान तुम्हारे हैं, नाक तुम्हारी है, आँख तुम्हारे हैं, मेरी ब्रीदिंग तुम्हारी है, दृष्टि तुम्हारी है, श्रवण तुम्हारा है, वाणी तुम्हारी है, स्पीच का ऑर्गन तुम्हारा है, मेरी श्वास तुम्हारी है, लंग्स तुम्हारे हैं, हार्ट बीट तुम्हारी है, हार्ट तुम्हारा है, मेरे लिम्स तुम्हारे हैं। इस प्रकार से वो, ये भी एक प्रोसेस से देने का, जहाँ माइंड नेता बनता है, पीछे साइकिक खड़ा होता है, और हम इसको थॉट के माध्यम से देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, और इस प्रकार की अपनी अपनी कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, हर व्यक्ति इसको इवॉल्व कर सकता है अपने अंदर से, समर्पण। इसी के साथ में तीन और चीज़ें हैं जो ट्रिपल, जिसको कहते हैं शेरविन ट्रिपल पाथ, उसके भी एलिमेंट्स इस योग में हैं, प्रोमिनेंटली हैं। ट्रिपल पाथ शेरविन गीता के पथ को कहते हैं, और हम लोगों का इनसे परिचय है। उसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति, या हम ऐसे कहें कि ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान में मेडिटेशन इज ए प्रोसेस। तो इस योग में मेडिटेशन कैसा है? मस्ट नहीं है, पहली बात। मस्ट अगर ये इस योग में कोई चीज़ है जो निश्चित रूप से करनी है, वो है वर्क। बट डेफिनेटली इफ वन इज इंक्लाइंड, ये अच्छा है अगर हम थोड़ी देर बैठ के ध्यान करें। हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रोसेस होता है, लेकिन इस योग में लंबा ध्यान एक घंटे दो घंटे वाला नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कई बार हमारी चेतना को अस्थिर कर देता है। इस योग में हम ध्यान करते हैं अपने आप को भगवान को प्रस्तुत करने के लिए कि माँ ये सब कुछ तुम्हारा है, और फिर खोलते हैं अपने आप को उनकी शक्ति के उतरने के लिए। खींचते नहीं हैं, वी डोंट पुल दी फोर्स, माँ कहती हैं, क्योंकि उसमें ईगोइज्म है और टूट जाएगा तुम्हारा आधार। प्रस्तुत करो और खोलो अपने आप को, और माँ इसका नाम देती हैं डायनामिक मेडिटेशन। हम बैठें, किसी भी समय इसको किया जा सकता है, एक बार में 15-20 मिनट, 15-20 मिनट्स मॉर्निंग, 15-20 मिनट्स इन द आफ्टरनून, एंड 15-20 मिनट्स इन द लेट इवनिंग, या दो बार, जब हम अपने आप को पूरी तरह माँ को खोले। और उसके लिए हम लोग अपने हृदय में माँ के नाम का जप करते हुए भी खोल सकते हैं, या कोई और अगर मंत्र हमारे अंदर आता है। एक दूसरा मेडिटेशन है जो चैत्य को पाने के लिए इंटीरियराइजेशन का मेडिटेशन है, और उसमें हम लोग हृदय केंद्र पर, यानी चेस्ट के बीच में कहीं पर भी,
ये हमको केंद्र नहीं ढूंढना है, अच्छा कहाँ पर है ये, बाएं तरफ 2 इंच इधर घसक गया, 2 इंच उधर। स्वतः ही जब हम ध्यान करेंगे तो चेतना वहाँ जाएगी, वो रूट बना हुआ है। तो चेस्ट के मध्य में कहीं पर भी हम ध्यान करते हैं माँ की उपस्थिति पर या माँ की इमेज पर या माँ के नाम पर, वन ऑफ द थ्री, और बैठते हैं इसी प्रकार से 10-15 मिनट इस अभीप्सा के साथ कि हमको आपके संपर्क में आना है। ये नहीं कि मेरा चैत्य बाहर निकलो, वो ऑटोमेटिक होगा, माँ को पुकारना है और चैत्य तो बाहर आएगा। तो इस प्रकार से हमको अंदर में ध्यान करना है। और दूसरा ध्यान है जो या तो एनीवेयर इन द हेड, नॉट भ्रूमध्य, भ्रूमध्य की समस्या ये होती है कि कभी कभी वो इट्स ए सेंटर ऑफ नॉलेज एंड विल, तो ऐसे अनुभव वो क्रिएट कर देता है जो वास्तविक नहीं है। तो भ्रूमध्य की ये समस्या होती है कि वो फॉर्मेशंस क्रिएट करता है, तो उसकी जगह हेड में कहीं पर भी सेम प्रोसेस, मदर्स प्रेजेंस, मदर्स इमेज और मदर्स नेम, या सिर के ऊपर, और ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा ध्यान है। अगेन कितने इंच ऊपर, अपने आप आपका ध्यान जाएगा वहां पे। कुछ लोग डबल मेडिटेशन भी करते हैं, सिर के ऊपर और हृदय के अंदर, ये प्रैक्टिस की बात है। और ध्यान में मूल चीज जो है वो है प्रैक्टिस, अभ्यास 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 अभ्यास। हो सकता है 2 महीने बैठेंगे कुछ नहीं होगा, डजेंट मैटर, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर कुछ होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा, ध्यान भटकेगा, डजेंट मैटर, उसको खींच के लगाइए, फिर देखेंगे हम 1 साल हो गया 3-4 मिनट हम बैठ पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर साल भर में 3-4, अच्छा कैसे बैठें, आलती पालती ये जरूरी नहीं है, किसी भी जगह चेयर पे आप जहाँ सहज भाव से, ना ऐसा हो कि आपको नींद आ जाए कि भाई ये सोफा है बड़ा अच्छा है, हम बैठे ध्यान पे 2 घंटे खराटे लेते रहे, बाहर आके बोला बहुत अच्छा ध्यान लगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें गीता का जो डिक्टम है बहुत सुंदर है, ना ऐसा हो कि कठोर एकदम बेंच पे बैठ गए, अब हमारी पीठ सीधी है इसी पर हमारा ध्यान जा रहा है कि भाई पीठ में दर्द हो रहा है और जॉइंट्स में पेन हो रहा है। एक ये जैसे चेयर्स हैं, ये दे आर वेरी नाइस कंफर्टेबल चेयर जो आपको ना सोने देंगी ना आपको कोई पीड़ा देंगी, कष्ट देंगी, तो आराम से बैठ के आप सहज भाव से हम ये ध्यान कर सकते हैं। तो ये हुई इसमें ध्यान की बात। किस पर किया जाता है, माँ के ऊपर किया जाता है इस योग में। ये नहीं कि भगवान इन्हें वेग वे में भगवान के ऊपर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। शेयरविंद इसकी बात सिंथेसिस में बताते हैं, नॉट इवन ऑन इम्पर्सनल डिवाइन, क्योंकि ये योग इम्पर्सनल पर्सनल के परे जाता है। फिर दूसरी चीज़ होती है भक्ति, कर्म पे हम लोग लास्ट में आएंगे। भक्ति इसमें केंद्रीय चीज़ है, और भक्ति मांगनी चाहिए भगवान से, यदि भक्ति नहीं है तो मांगनी चाहिए, माँ मुझे भक्ति दो अपने लिए। और भक्ति का इसमें मोटिव होता है टू गिव वन सेल्फ। श्री अरविंद माता जी दोनों कहते हैं अगर योग में तुम्हें शॉर्टकट चाहिए तो यही एक शॉर्टकट है, सेल्फ गिविंग। आस्किंग वाली भक्ति वो प्राण की भक्ति होती है, मुझे ये दो वो दो, दिया तो तुम माँ हो। कई लोग पता है हम हमारे जीवन में माँ ने हमें बहुत कुछ दिया, तो कभी कभी प्रश्न ये भी करना चाहिए हमने क्या दिया। भगवान हमें दे रहा है वो तो उनका स्वभाव है, हमने क्या सीखा, क्या हमने उनको कुछ दिया, क्या हमने कुछ क्षण भी उनको दिए, क्या हमने अपनी ऊर्जाएं उनको दी, क्या हमने अपना कर्म उनको दिया, क्या हमने अपना धन उनको दिया। इतनी सारी चीज़ें मनुष्य के पास होती हैं, और माँ कहती देर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन गिव, कुछ ना कुछ मनुष्य के पास सदैव होता है जो उनको दे सकता है। तो ये सेल्फ गिविंग इस भक्ति का कोर है। और जैसा कि पहले बात हुई, नाना प्रकार के संबंध माता जी से जोड़ना, माता का, पिता का, मित्र का, भाई का, बहन का, बच्चे का, मास्टर का, सारे संबंध। इस योग में गुरु ये बहुत कम यूज किया जाता है शब्द। शेरविन कहते हैं कि इन दिस योगा वी डोंट जनरली यूज द वर्ड गुरु, बट इफ समबडी वांट्स टू यूज इट वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट। पर माँ ने ऑब्जेक्ट किया था जब माँ को कहा गुरु, माँ कहती तुम मुझे गुरु बना के कई कदम नीचे ला रहे हो, मैं यूनिवर्सल मदर ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो माँ के साथ अंतर क्या है, देखिए गुरु के साथ एक लिमिट होती है, आप गुरु वहां हैं, आप यहां पर हो, गुरु का सिंहासन है, गुरु आदेश देंगे आपको पालन करना है। माँ के साथ माँ ये समस्या है, माँ हो गए, माँ आपको माँ के सामने हम निर्वस्त्र हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, कोई शर्म नहीं होती। गुरु के सामने आप नहीं कर सकते वैसे, माता जी के सामने निर्वस्त्र होके माँ देखो यहाँ पे मेरे दाग लगा है, क्या किया जाए। तो वी कैन टेल हर लाइक ए मदर एवरीथिंग।
तो ये हमको इस भक्ति में संबंध जोड़ना है विद द डिवाइन मदर. दिस मदर फिजिकल फॉर्म का अपना एक महत्व है, ये नहीं कि यूनिवर्सल मदर इनसाइड. ये भी शेरविन ने उत्तर दिया हुआ है. रूपांतरण के लिए वे इस रूप में आई हैं, रूपांतरण के लिए डिवाइन ने ये रूप धरा है, तो हमें ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए. और भक्ति सदैव एक निष्ठ होनी चाहिए, तभी वो भक्ति होती है. एक बड़ा सुंदर हाँ टर्म है, अव्यभिचारिणी भक्ति. अव्यभिचारिणी भक्ति, एक को पकड़ लिया, अब आप कितने लोगों को दोगे अपने आप को. इसलिए टर्म बड़ा सुंदर है, अव्यभिचारिणी. ये नहीं कि यहाँ पे ये भगवान है, वहाँ दूसरे भगवान है, तीसरे वहाँ भी चले जाएं, ये फिर योग नहीं है. ठीक है, एक रिलीजन है, तैयारी है, उसमें कोई ये नहीं कि अच्छा है या बुरा है. ये एक एक व्यक्ति का अपना एक प्रिपेयर्डनेस है और स्टेज है इवोल्यूशन का. लेकिन एक टाइम आता है जब ये भक्ति अव्यभिचारिणी बन जाती है, ये ग्रेस से आता है. अगर नहीं है तो हमको मांगनी चाहिए कि माँ ऐसी भक्ति दो कि तुम्हारे चरणों में ही मेरा अनुराग लगा रहे. एक छोटी सी कहानी है, कल हम लोग बात कर रहे थे रोनाल्ड कृष्ण प्रेम की. जब वो माता जी से मिलने आए तो माँ ने कहा यू आस्क एनीथिंग, कहा मुझे मेरे गुरु में भक्ति दे दो. तो माँ बहुत प्रसन्न हुई. वो ये कहानी बताती हैं कि ये भक्ति रंग लाती है. माँ ये नहीं कि तू अपने गुरु में भक्ति मांग रहा है, मेरे में नहीं मांग रहा है. तो माँ ने कहा बट यू हैव सो मच भक्ति फॉर हर, उनकी गुरु थी यशोदा माँ ऑलरेडी. तो कहते हैं नो मदर इट इज नॉट एनफ, मुझे पूर्ण भक्ति चाहिए उनके चरणों में. और माँ कहती तथास्तु, और कहती ये डिसाइपल होता है जो रंग लाता है. उसका उदाहरण दिया कि एकमेव तुम में मुझे पूरी भक्ति चाहिए. तो ये होती है इंटेग्रल योग की डिवोशन, जो रास्ता बहुत तेजी से खोलता है. और इसमें भी शेरविंद ने कुछ तरीके बताए हैं, मनन श्रवण. जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान की वाणी या भगवान के बारे में कहीं से भी कुछ हो रहा हो तो हमको मजा आता है सुनने के लिए. क्यों? क्योंकि वो श्रवण का आनंद है. इसीलिए भागवत कथाएं का इन सब का जो प्रोसेस चला, या हम लोग जो सावित्री ये करते हैं, दैट इज द आइडिया. इट इंक्रीजेस द भक्ति. इसका पर्पस ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं है. इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तो एकेडमिक सर्किल में होते हैं, ये भक्ति बढ़ाने के लिए है, यज्ञ है ये, जो सेम इसका प्रयोजन है. ताकि ये हम क्या करते हैं इस समय, माता जी के नाम का श्रवण कर रहे हैं कलेक्टिवली, और इंडिविजुअली भी हम लोग करें मनन. और दर्शन ये तीसरा है कि हम उनको देखें, उनको देखना चाहें, और निधिध्यासन. तो ये चारों ये भक्ति के लिम्स हैं सिंथेसिस ऑफ योग में. जो इसको विस्तार से पढ़ना चाहें, अंडर योगा ऑफ डिवाइन लव, शेरविन विस्तार से बताते हैं, मोटिव्स ऑफ डिवोशन बताते हैं. कुछ लोग दास्य भाव से भक्ति करते हैं, कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, किंतु सर्वोच्च भक्ति होती है जो भगवान को सब कुछ देने के लिए होती है. तो ये भक्ति हो गई. तीसरा है कर्म, जो इस योग में बहुत जरूरी है, इंडिस्पेंसिबल है. जब कोई शेरविन से एक पत्र पूछा किसी ने, आप हमें मैं वहाँ आना चाहता हूँ ताकि माँ कोई मंत्र दीक्षा दें, और शेरविन कहते हैं कि मदर डज नॉट गिव मंत्रा, शी गिव्स वर्क. अब मैं समझता हूँ यहाँ इस चीज़ की यूटिलिटी होती है, जैसे श्री अरविंद सोसाइटी के केंद्र हैं. अब हम कहाँ कहाँ काम ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे काम ढूंढने. अब आश्रम की तो एक सीमा है, आश्रम तो 50 साल के बाद नहीं लेता है लोगों को, फॉर अनलेस आप उनको पता है कि आप बाहर इस रास्ते पर बहुत साल चले तो हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो जाए, बट अदरवाइज आश्रम डज नॉट टेक. जब आप आते हैं फिर करते हैं, तो हम काम कहाँ से ले माँ का. तो एक दूसरा तरीका होता है स्वभावनियत कर्म, स्वधर्म के अनुसार हम चलें, वो एक तरीका है. लेकिन माता जी का वो काम डायरेक्टली अगर हम लें, तो श्री अरविंद सोसाइटी का जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो इसमें योगदान है, और मैंने स्वयं ये अनुभव किया है पटियाला सेंटर और बेंगलोर सेंटर में काम करके, कि जिस तेजी से प्रोग्रेस होती है केंद्र में काम करके, उस तेजी से ध्यान करके नहीं होती है. और साथ ही कर्म क्यों, क्योंकि कर्म पर हमारी प्रोग्रेस का वो टेस्ट भी किया जाता है. एक सेंटर में आप जाएंगे काम करेंगे, उसमें 10 लोग हैं, 10 के 10 विचार हैं, कोई आपकी ईगो को भी हर्ट करेगा, पक्का करेगा 100%. आप भी कर रहे होंगे किसी और की ईगो को. तो जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमारी ईगो की चिपिंग होती है. उसने कह दिया, अब आपका नॉर्मल बाहर के जीवन में होते तो रिएक्शन होता, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, कट जाऊंगा. लेकिन आप यहां पर हैं, माता जी का काम कर रहे हैं, आप ये एटीट्यूड नहीं ले सकते हैं. आपको मिलके काम करना है,
देवासुर हैं, दोनों को मिलके मंथन करना है तभी अमृत निकले। तो आपको कंपेल्ड होंगे सोचने के लिए, ये भाव लेने के लिए कि अल्टीमेटली ऑल आर द मदर्स चाइल्ड। ठीक है, माता जी का ही बच्चा है, जैसे भी कर रहा है, कौन जाने में कौन उस जज करने वाला। तो ये जजमेंटल चीज़ें जो ईगो बहुत रैपिडली करती है, रश करती है, ये सब चीज़ें हमारे चरित्र में जो चारित्रिक दुर्बलताएं हैं, वीकनेसेस हैं, ईगो का खेल है, वो कम हो जाएंगी। तो वर्क फॉर द डिवाइन में ये बहुत ईगो की चिपिंग अदरवाइज होगी नहीं। हो सकता है हम ध्यान लगा रहे हो, हमें अनुभव हो रहे हो, लेकिन अहंकार उतना ही बड़ा बैठा हो। रावण ने इतनी तपस्या की, उसके बाद उसके 10 सिर बढ़ गए। हर एक सिर जो ऑफर करता था एक और नया आ जाता था। तो ये वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस योग। और जैसा मैंने कहा, उसमें आप हम डायरेक्टली माता जी की धारा से जुड़ते हैं। अब श्री अरविंद सोसाइटी है तो उसकी परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है? माँ है। और जब हम मेंबर बनते हैं, ये मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मेंबरशिप ड्राइव किया कोई भी, लेकिन जब हम मेंबर बनते हैं तो हम क्या कह, किससे जुड़ रहे हैं? हम माता जी से जुड़ रहे हैं, दैट्स ऑल। आई डोंट मच, मैं किसी इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा उतना महत्व नहीं देता हूँ व्यक्तिगत रूप में, लेकिन जब मैं, मुझे पता चला शेयर इन सोसाइटी का, मैं लाइफ टाइम मेंबर बन गया। मैंने कहा माँ परमानेंट प्रेसिडेंट है, इट इज़ एनफ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैगजीन आ रही है नहीं आ रही है वो इरेलेवेंट है। उसी तरह कहीं कहीं लोगों ने जुड़ने को, मैंने कहा नहीं मैं आश्रम ही ज्वाइन करूँगा, क्यों? डायरेक्ट माता जी श्री अरविंद का वो स्टार्ट किया हुआ है। कठिनाइयाँ हैं, सब जगह कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आप उस कर्मधारा से डायरेक्ट जुड़ते हैं। और नहीं डायरेक्ट जुड़ सकते तो इनडायरेक्ट भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जुड़ सकते हैं। माता जी का काम आज पूरे विश्व में अनेकों ढंग से हो रहा है। इवन जैसे आप वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप चीज़ों को डालते हैं, तो ये सब माता जी के लार्जर वर्क का एक हिस्सा है। उड़ीसा में भी लोग इस तरह करते हैं। तो ये वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है इस योग में। अब एक चीज़ जो रह जाती है वो है कि क्या तपस्या का कोई रोल है इस योग में? तो माता जी उसकी भी बात करती हैं। बड़ा सुंदर उनका एक एसेज है, ऐसे है वॉल्यूम 12 में, द फोर ऑस्टेरिटीज एंड द फोर लिबरेशन, चतुर्विध तपस्या। लेकिन प्रारंभ में ही कह देती हैं तपस्या का सेल्फ मॉडिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने को पीड़ा पहुंचाएं, कष्ट पहुंचाएं, हमने आज पूरे दिन केवल कुटू का आटा लास्ट में खाएंगे और सिंघाड़े के आटे की वो खाएंगे और आलू की सेंधा नमक डाल के सब्जी खाएंगे। मैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बैकग्राउंड मतलब घर में जो हमने देखा है। सारे दिन हम वेट करते थे, वो स्पेशल खाना होता था, होटल वोटल होते नहीं थे इतने, वो खाना बड़ा टेस्टी लगता था क्योंकि बाकी दिन तो रोज रोटी दाल सब्जी बनती थी, वो अद्भुत लगता था और वेट उसकी करते थे। ये सब चीज़ का इसमें कोई, वो सब चीज़ों का एक औचित्य था हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से, बट योग का इसको योग से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपको ये करना है करिए, बट नो दैट इट हैज़ नो वैल्यू फ्रॉम दी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी वैल्यू जीरो है। हेल्थ वाइज लोग, अब बहुत सारी महिलाएं पुरुष हैं आजकल फास्ट करते हैं, इस तरह की डाइट भी आई है कीटो डाइट, ये उस तक सीमित रखिए। डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए, आई एम डूइंग इट टू स्टे फिट, वहाँ तक ये ठीक है। तो ऑस्टेरिटीज फिर क्या है? माँ कहती है चतुर्विध तपस्या, और उसमें बड़े सुंदर होने का है। फिजिकल की तपस्या क्या है? माँ कहती तपस्या ऑफ ब्यूटी, फॉर्म की ब्यूटी। अब फॉर्म की ब्यूटी केवल ये नहीं कि वो बाहर से वो जीरो फिगर, ये नहीं है फॉर्म की ब्यूटी। माँ कहती उसके अंदर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, हार्मनी ऑफ फॉर्म, ये सारी चीज़ें फॉर्म की ब्यूटी की तपस्या हैं। और उसमें थॉट्स भी आते हैं। अगर हमारे थॉट्स क्रूड हैं, वल्गर हैं, अगर हमारी भावनाएं क्रूड और वल्गर हैं, हमारी वाणी क्रूड और वल्गर है, तो फिर वो हम ब्यूटी के उपासक नहीं हैं। तो हार्मनी और ब्यूटी, ये फिजिकल की तपस्या है। और उसमें ये नियमित रूप से खाना, भोजन, समय पर सोना, नियमित रूप से ना अधिक सोना ना कम सोना, एक समुचित रूप से आहार, युक्त आहार विहारस्य, और उसी प्रकार से निद्रा भी, कैसे सोएं कैसे खाएं, ये सब उसमें माने विस्तार में बताया है। ये है बॉडी की तपस्या, बड़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड नहीं की गई है हम लोगों से। बस एक बैलेंस चीज करें जो भी करें, खासकर इस बॉडी की तपस्या में ये तीन चीज़ें आती हैं, भोजन, निद्रा, मैथुन एवं मैथुन का तो एकदम इस योग में मान स्पष्ट कहा, यू हैव टू गेट ओवर इट। अब उसमें समय लगता है, तो उसको ऑफर करते हुए, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। और चौथा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है वर्क।
सो वर्क में भी कहती हैं ऑस्टेरिटी है, और वर्क की ऑस्टेरिटी क्या है कि हम अपने प्रेफरेंस से काम नहीं करेंगे। हम तो भैया हमको कुर्सी पर बैठ करके वहाँ मैनेजमेंट करना है, नहीं। अगर आपको काम दिया है झाड़ू पोछा करना, झाड़ू पोछा कीजिए, वो भी साधना है। सबरी यही कर करके पहुँच गई। माता जी स्वयं जब वो पहले आई, उन्होंने मार्ग दिखाया सबको इस प्रकार से झाड़ू दे करके ये सब करके। तो कोई भी काम दिया जाए, टू डू ए वर्क विदाउट प्रेफरेंस इज ऑस्टेरिटी ऑफ वर्क, और ये शरीर की ऑस्टेरिटी है, तपस्या है। फिर एक दूसरी तपस्या है जो है तपस्या ऑफ नॉलेज, ज्ञान का तप। तो ज्ञान के तप में पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कहाँ कहाँ से हम इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है एक टच में रहना कि क्या हो रहा है संसार में, वो एक बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को भर लेना इधर उधर से और वो अंदर में जाके खिचड़ी बनती है उसकी, और ऐसी खिचड़ी बनती है कि वो बिल्कुल अपच क्रिएट करती है। तो हम इस पथ पे चल रहे हैं तो हमें इसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, होगा, और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें खो जाना, उसमें ओवर इन्वॉल्व हो जाना, ये डेफिनेटली मन को क्लटर करना है। तो मन को क्लटर नहीं करना चाहिए। और उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो माँ बताती हैं ज्ञान के तप में, वो है वाणी, बहुत एम्फेसाइज करती हैं। तो हम कितना बोलते हैं, किन विषयों पे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि हम पता नहीं कितने किलोवाट एनर्जी वाणी में अपव्यय करते हैं। वाणी का सदुपयोग सही है। आप माता जी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ये एक सुंदर बात है, या इवन किसी के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन वाणी बिना पर्पस के गॉसिप, पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, हमारी बहू के साथ क्या हो रहा है, हमारी सास के साथ क्या हो रहा है, इट इज़ इरेलेवेंट। एंड मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, इट इज़ इरेलेवेंट। तो हमको जितना अधिक इस वाणी का संयम करेंगे, उतना अधिक ज्ञान और मेधा शक्ति ये बढ़ेगी। एक तप है एक प्रकार का। बहुत माँ यहाँ तक कहती हैं कि वाणी में अपशब्दों का उपयोग, क्रोध में अपशब्द जो लोग कहते हैं, ये स्पिरिचुअल सुसाइड की तरह है। इस हद तक उन्होंने कहा है कि जब लोग गॉसिप करते हैं और फिर उसमें अपशब्द और हार्श और क्रूड लैंग्वेज में यूज करते हैं, इट इज लाइक कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड। तो ये ज्ञान का तप है। तीसरा तप होता है ऊर्जा का तप। तो उसमें तीन प्रकार से हम ऊर्जाएं ड्रॉ करते हैं। एक होती हैं भौतिक और भौतिक से नीचे भोजन के द्वारा, दैट इज़ वन सोर्स। उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने ऑलरेडी टच कर दिया है। अब इसमें एक प्रश्न होता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इतना इम्पॉर्टेंस इसका नहीं है, छूट जाएगा जब एक टाइम आएगा, नॉन वेजिटेरियन छूट जाएगा। पर यह भ्रांति नहीं रखिए कि अगर हम वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो स्पिरिचुअल है। हिटलर वेजिटेरियन था और शराब भी नहीं पीता था। सो इट्स ऑल राइट टू हैव वेजिटेरियन फूड, बट अभिमान नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ अपने आप छूट जाएगी जब इसका टाइम आएगा। कई लोगों के जीवन में ये अनुभव आया है कि वो चीज़ चली जाती है व्हेन द टाइम कम्स। तो ये हो गया जो भौतिक से हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा, प्राण उसी लेवल से ऊर्जा ड्रॉ करता है, और उसमें क्या है, पेड़ पौधे इनसे, जो फिर भी अच्छी ऊर्जा है। लेकिन सबसे खतरनाक ऊर्जा जो हम ड्रॉ करते हैं सेम लेवल पे, वो है माँ कहती है वाइटल इंटरचेंज। उसका माध्यम क्या है, एनिमेटेड डिस्कशन विद पीपल, शादी ब्याह इस सब में जो हम जाते हैं, ये वास्तव में पार्टीज, नाइट एस्केपेड्स, एक दिन रत जगह, इवन चौकी, ये सब क्या होता है वहाँ, सारे वाइटल इंटरचेंज, प्राण तत्व का खेल है। और हम जब इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो हम अपने अंदर वो कचरा उनका लेते हैं, और वो भी हमारा लेते हैं। वो तो अच्छी चीज़ें लेंगे अगर हमारे अंदर हैं लेकिन हम उनको डायमंड दे करके कचरा लेके आ रहे हैं। यानी माँ ने इतनी मेहनत से एक हीरा तैयार किया, हमने उसको दे दिया, साथ में उसने हमको अपना जो कहा जाए दिया कचरा, और हम उसको लेकर के आ गए। ये वाइटल इंटरचेंज बड़ा खतरनाक है, खासकर जब वो सेक्सुअल फॉर्म ले लेता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऊर्जा जाती है। इसीलिए जो पुराने समय में ये था कि हैव अ मैरिड लाइफ विद वन पर्सन विद वन पार्टनर, क्योंकि ये हेल्प करता है आपको। आफ्टर ए वाइल आप दोनों का वो भाई बहन जैसे हो जाते हैं लोग। इट्स ए वेरी गुड वे टू ग्रेजुअली कम आउट ऑफ दिस प्रोसेस, रादर देन जस्ट जैसे लूज सेक्सुअलिटी। इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि बात इसमें मॉरेलिटी की नहीं है, मॉरेलिटी को ताक पे रख दीजिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस प्रकार का प्राणी का आदान प्रदान आपकी चेतना में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है।
और जो चौथी चीज़ है, जो तीसरा सोर्स है पावर का, वो है प्राण की ऊर्जा, ये पावर का, शक्ति का संचय करने के लिए माँ कहती फ्रॉम अबव। तो जब हम अभीप्सा करते हैं तो हमारे अंदर वो द्वार खुलता है और हमको ऊर्जा ऊपर से आती है। सो ये तीन सोर्स हैं, सबसे शुद्ध तो ऊपर की ऊर्जा है और जितना अधिक हमको ये टैप करना चाहिए। तो ये हो गई तीन प्रकार की तपस्या। और चौथी जो सबसे कठिन है, माँ कहती तपस्या ऑफ लव। प्रेम की भी तपस्या होती है, माँ कहती ऑस्टेरिटी ऑफ फीलिंग्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट। कितने तरह के अटैचमेंट जिसमें हम उलझे रहते हैं, कितने तरह के एक्सपेक्टेशन हैं इससे उससे, बच्चों से भी कहाँ कहाँ एक्सपेक्टेशन हमारे नहीं है। तो माँ कहती हैं कि जो इस पथ पे पढ़ना चाहता है उसको अपनी भावनाओं को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। तो बाकी लोगों के साथ क्या हम कट ऑफ हो जाएं, कहती कदापि नहीं। तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम बांटोगे पूरे संसार के साथ और कम नहीं होगा। तो वी शुड लव ऑल बींग्स विद ए यूनिवर्सल लव। उसमें आपके स्पेशल संबंध भी होंगे चैत्य के अनुसार। कुछ लोग होंगे जो सिमिलर अभीप्सा रखते हैं, कुछ लोग हैं जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गॉड लवर हैं जिनके साथ आपके स्पेशल रिलेशन होंगे। भगवान के भी स्पेशल रिलेशन होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू मेरा विशेष है, प्रिय है, अधिक प्रिय है। सो क्योंकि हमारा चैत्य है ना, इट इज़ ए फैमिली ऑफ सोल्स। लेकिन हमारा जो सोर्स होगा प्यार पाने का, वो केवल भगवान होंगे। जिस दिन हमने किसी और से अपेक्षाएं की, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर हम वो अपेक्षा करना शुरू करेंगे तो फिर हम दूर दूसरी दिशा में जा रहे हैं और दुख ही आएगा। ये सब लोग जानते हैं, इससे दुख आता है। बेटा बेटी इनसे अपेक्षाओं की जगह हमारी सारी एक्सपेक्टेशन माँ कहती है भगवान की ओर मोड़ दो। यू कैन टर्न, यू कैन से मेरी ये अपेक्षा है आपको मैं दे रहा हूँ। आइडियल इस प्रेम में दे देना, पर अगर अपेक्षा भी है तो तुमसे है। तो ये प्रोसेस है ऑस्टेरिटी ऑफ फीलिंग्स, जो माँ कहती हैं सबसे कठिन है। अब इसके बाद अंत में एक चीज़ आती है, वो एक फूल के रूप में हम देख सकते हैं या माता जी के सिंबल के, एटीट्यूड्स बहुत जरूरी हैं इस योग में। और वो एटीट्यूड है, एक फूल है माँ ने, चंपा का फूल है, जिसमें पांच पत्तियां हैं, पेटिल्स हैं, और माँ ने उसका नाम दिया है 5 साइकोलॉजिकल परफेक्शंस। और माता जी का अगर सिंबल देखें तो 12 क्वालिटीज़ हैं जो न्यू क्रिएशन के लिए नीडेड है। और माँ कहती है इसमें 4 एटीट्यूड्स हैं या क्वालिटीज़ हैं जो मनुष्य के प्रति आपके होने चाहिए और 8 हैं जो भगवान के प्रति होने चाहिए। संसार के प्रति क्या होना चाहिए? इक्वानिमिटी। राग द्वेष द्वंद्व, उसने ये कहा वो कहा, जो हमारे अंदर बार बार रिएक्शंस प्रकट होते हैं संसार के कॉन्टैक्ट से, हमें एंड्योरेंस, इनडिफरेंस और ये सब प्रैक्टिस करके अल्टीमेटली हमें उसके प्रति एक उदासीनता का भाव, और उदासीनता का भाव शुड डीपन इनटू अ डीप स्पिरिचुअल इक्वानिमिटी। तो ये समता का भाव बहुत आवश्यक है इस योग में। एंड्योरेंस बहुत जरूरी है, लंबा रास्ता है। अगर आदमी हताश हो जाएगा, डिस्पेयर में चला जाएगा, तो इसीलिए एक तीसरी चीज़ है चीयरफुलनेस। योग सीरियस होकर नहीं किया जाता, डिप्रेस्ड मन से, ये तो गीता में भी लिखा है, योगा इज नॉट डन बाई ए डिस्पोंडेंट हार्ट। हम रोते भी लगते क्यों जा रहे हैं, भगवान के आनंदमय के पास जा रहे हैं, हंसते और गाते हुए जाना चाहिए, जॉयसली जाना चाहिए। ये किसकी यात्रा है, आनंद के धाम जा रहे हैं, तो हम क्यों डिप्रेस्ड हों, दुखी हों? जो छूट गया, अरे जो मिलने वाला है वो देखें हम। हाँ छूटेगा, बहुत कुछ छूटेगा, आप इस यात्रा में जाएंगे, हर कोई नहीं चलेगा, लास्ट में कुछ लोग बॉडी के साथ छोड़ देंगे आपका साथ, लेकिन यात्रा तो नहीं समाप्त होगी। तो इस यात्रा में एक चीयरफुलनेस, अपने ऊपर भी हंस लेने की क्षमता, जीवन को थोड़ा अम्यूज होके देखने की। श्री अरविंद का स्वयं का कितना सुंदर ह्यूमर है, जब कोई आपको हर्ट करे, एक नलिदा कोई उनको पकड़ के रास्ते में कुछ 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 बोलता रहा, तो जब 10 मिनट हो गए, नलिदा का हो गया बस, अब मैं जाऊं, ये उनकी प्रतिक्रिया थी। शेष हो गए छे अमी जाबो, कैन आई गो नाउ, वो तो समझ ही नहीं पाए, कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन सुनते रहे 10-15 मिनट खड़े होकर सुनते रहे, फिर कहते हो गया तुम्हारा, बस हो गया, अब मैं जाऊं। आप सोचिए। और माँ कहती इफ यू लिव लाइक दिस इट विल डिसआर्म द एडवर्सरी, सो लाफ एट द एडवर्सरी, बी हैप्पी। ये प्रसन्न रहने की ये लक्षण भी है इसका, कि हम योग में सही दिशा में जा रहे हैं। ये कंपस है कि हम प्रसन्न हैं। द मोर वी गो टूवर्ड द डिवाइन, द मोर हैप्पी वी ग्रो फ्रॉम विद इन नेचुरली, क्योंकि उनका संपर्क आ रहा है आनंदमय का, तो जॉय तो आएगा आएगा।
उसी प्रकार से और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उसमें एक है करेज, साहस चाहिए। योग एक भीरु व्यक्ति ना यम आत्मा बलहीन वीक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, जो थोड़ा चला ये घटना हो गई, अब हम क्या करें, हम पांडिचेरी जाना चाहते थे, हमको बुखार हो गया तो हो गया, जाइए, क्या प्रॉब्लम है, बुखार ही हुआ ना। ऐसे लोग हैं जो मृत्यु सैया पे जाना चाहते हैं, आई हैव सीन इट। वो इतना टचिंग सीन था, एक लेडी जो 12 वर्ष से अपने सबको बोल रही है मुझे एक बार तो आश्रम ले चलो, गई नहीं थी कभी। अब वो हाँ ले जाएंगे वाइफ बच्चे, वो टिपिकल जो होता है हमारे घरों में बेचारी नारियों की, कभी ये नहीं कह सकती मैं अपना टिकट कटा के जा रही हूँ, हस्बैंड तो चल देते हैं जब उनका दिल करे। तो वो इट्स अ वेरी सैड थिंग, इट्स अनफॉर्चुनेट थिंग, इट शुड नॉट बी। तो वो नहीं आ पा रही हैं, तो एक दिन जब उनकी एकदम कैंसर हो गया, फिर कैंसर फैल गया, मरना सन, तो कहा ये मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो। तब वो लेकर के आए, और किस अवस्था में लेके आए, एम्बुलेंस लेके चेन्नई से सारा, मतलब अच्छे से। फिर वो मेरे से मिलना चाह रही थी, मेरे से कभी मिली नहीं थी, मैं मिला, अरेंज किया उनका समाधि के पास जाने का, चार लोग उठा के स्टेशन में उनको समाधि का चक्कर, वो देखने लायक सीन था, आई वॉज देयर क्योंकि आई हैड अरेंज फॉर इट। वो समाधि छू छू के माँ मैं आ गई माँ मैं, तो इवन जो लोग थे आसपास वो कहते हैं इस भाव से अगर हम जीने लगे तो कितना अद्भुत हो जाए, जैसे उन्होंने उस एक क्षण में जो प्राप्त किया होगा। एंड इट वॉज सो फॉर्चुनेट दैट शी कुड कम ऑन मदर्स बर्थडे, अल्टीमेटली वो लेके आए, कैसे भी कुछ कुछ हुआ, और उनको ये लगा कि इनकी अंतिम इच्छा। मैंने कहा इनकी अंतिम इच्छा नहीं, आपने पता नहीं कितने पुण्य कमा लिए, सारे जो पास्ट थे वो धुल गए, जो आपने इनको रोका आने नहीं दे रहे थे। सो दिस, और डिवोटी थे, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। सो ये जो होता है कि ये करेज चाहिए, इसमें योग में करेज बहुत जरूरी है, साहस। तो माता जी ने ऐसी बेनेवोलेंस, जेनरोसिटी, उदारता का भाव, ये ग्रैटिट्यूड सबसे अधिक। माँ एक जगह कहती रोज सुबह उठ के सबसे पहले कृतज्ञता अर्पण करो भगवान को, हाँ एक दिन और मिला तेरे सेवा करने का, तेरा नाम लेने का, और रात को ग्रैटिट्यूड, बीच में जब ध्यान आए हे प्रभु तेरा ग्रैटिट्यूड, माँ तुम हो, इसी का ग्रैटिट्यूड, कोई कारण नहीं चाहिए। इस पथ के लिए हमारी आंखें खुल गई, ग्रैटिट्यूड, न जाने क्या कर रहे होते, भटक रहे होते सारी दुनिया जैसे, और सोच रहे होते कि हम बड़े राजा हैं, तो ये पथ हमको दे दिया गया, इसी के लिए ग्रैटिट्यूड, भगवान है इसके लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का कोई कारण नहीं चाहिए। तो ये सारे भाव, एटीट्यूड, क्वालिटीज हमको अपने अंदर एम्बॉडी करना चाहिए। और जैसा हम देखते हैं इसके केंद्र में कौन है, माँ खड़ी है। तो ईगो को हटा के जब जब ईगो आए उसकी जगह माँ, ये सिंबल को हमको अपने अंदर रिप्रोड्यूस करना है। केवल हम हाथ में पहन लेंगे, वहाँ दरवाजे पर लगा लेंगे, इट इज़ नॉट एनफ। शेरविंद कहते हैं सिंबल इज ए मीनिंगलेस टिकट इफ इट इज नॉट रिप्रोड्यूस्ड विद इन। सिंबल क्या है, वो सिंबल है ना, संकेत है। संकेत क्या है, केंद्र में माँ है, चारों तरफ मन प्राण शरीर और हृदय में कौन है, महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। किस ज्ञान की कमी होगी, किस करुणा की कमी होगी, किस शक्ति की कमी होगी, किस साहस की कमी होगी, किस प्रेम और माधुर्य की कमी होगी, किस सौंदर्य की कमी होगी, किस परफेक्शन की कमी होगी। तो ये दिस इज दी फोर फोल्ड। और केंद्र में कौन है, ईगो नहीं है, कोई अपनी पहचान नहीं, केवल माँ से हमारी पहचान हो, बाकी सब पहचान हमारी खो जाए। यही योग का मूल रूपरेखा है, बैकग्राउंड एंड लार्जर पिक्चर। बाकी डिटेल्स हैं, जैसे जैसे ये योग जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं उसी समय हो रहा हो नहीं। माँ कहती है छोटी छोटी चीज़ों में, किसी ने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हारे अंदर क्या रिएक्शंस हुए, उस समय योग हो रहा है, सचेत रहो। माँ कहती है टेस्ट, माँ ही टेस्ट लेती हैं, पर इस योग में बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो विरोध करती हैं, इसलिए एंड्योरेंस चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि धरती पर दिव्य साम्राज्य स्थापित हो। मुक्ति चाहिए तो भी करती हैं, लेकिन छोड़ देती हैं आफ्टर ए वाइल, जा तू आइसिस के घेरे से निकल के चला जा। पर जब आप कहेंगे नहीं हमको आइसिस की जगह हमको सनातन धर्म एस्टेब्लिश करना, आप देखिए क्या हो जाएगा, सारा सीरिया और लेबनान और पता नहीं, लेबनान तो अच्छी जगह है खैर, सारे उठ खड़े होंगे AK-47 लेके, भागना आसान है। पर वहां पर अगर आप बोलेंगे नहीं हमको एक सनातन सत्य का साम्राज्य करना है जो रिलीजन के परे है, देखिए क्या होने वाला है। तो वही चीज अंदर होती है। इस योग में जो शक्तियां विरोध करती हैं वो नाना प्रकार के छद्म रूप धर के आती हैं,
लेकिन हमको किसी से डरना नहीं चाहिए कहीं भी. क्यों? हमारे साथ तो डिवाइन मदर है. एंड विद द ग्रेस ऑफ द मदर इवन लिटिल ऑफ इट विल कैरी अस थ्रू ऑल डिफिकल्टीज. ए टच ऑफ इट कैन टर्न डिफिकल्टीज इंटू अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ. सराउंडेड बाई इट्स फुल प्रेजेंस यू कैन गो ऑन ऑल पाथ बिकॉज इट इज हर्स. जिस भी रास्ते में हम जाएंगे, जब सोचिए एक क्षण के लिए अगर हम ये सोच के चलें कि माँ हमारे साथ चल रही हैं, तो किसका भय और किस कठिनाई, किस बाधा से हम परेशान होंगे. तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे. सावित्री के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने सब पढ़ा है, तो लास्ट में वही सत्यवान की लाइन इसके साथ बंद करेंगे. ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल. इफ दिस इज शी ऑफ होम द वर्ल्ड हैज हर्ड, वंडर नो मोर एट एनी हैप्पी चेंज, ईच इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी ऑफ हर ट्रांसम्यूटिंग हार्ट द एल्केमीज. हम लोग रुकेंगे और फिर वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स.